मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्वालियर में 13 अस्पतालों के पंजे निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश अस्पतालों द्वारा मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने और अनियमित रूप से निष्पादन करने के चलते दिए गए हैं। वहीं 11 अस्पतालों को बंद करने के निर्देश मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिए हैं। जानकारी देते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीराज सेंगर ने बताया कि NGT के निर्देशों के मुताबिक हमने 100 अस्पतालों की सूची तैयार की थी, जिसके बाद 11 अस्पतालों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। 13 अस्पतालों का पंजे निरस्त करने के और 35 अस्पतालों पर नोटिस की कार्रवाई की गई है। इन अस्पतालों द्वारा CBWTF की सदस्यता नहीं लिए जाने से शहर में मेडिकल वेस्ट यहां वहां फेंकने से प्रदूषण और संक्रमण का खतरा बना हुआ था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। हॉस्पिटल की जो हमको CBWTF से सूची प्राप्त हुई थी, जो ये ग्वालियर जिले का है, जिसमें उनकी सूची से जब हमने मिलान किया तो हमको ये पाया गया कि करीब 100 से अधिक ऐसे हॉस्पिटल हैं जो CBWTF के सदस्य नहीं हैं और उनका अपना जैव चिकित्सा अपशिष्ट CBWTF के माध्यम से निपटान नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना जो अपशिष्ट है ये कहीं ना कहीं या तो नगर निगम के कचरे के साथ फेंक रहे हैं या अनाधिकृत रूप से कहीं भी फेंक रहे हैं, जिससे कि संक्रमण होने और जलवायु प्रदूषण की संभावनाएं गंभीर हो गई थी। वो इसी पे लेते हुए एक्शन हमने इन पे कार्रवाई की है। करीब 13 जो हॉस्पिटल थे इनकी हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई सम्मति को वापस लिया है। 11 हॉस्पिटल्स पे हमने बंद करने की कार्रवाई की है और 35 हॉस्पिटलों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का जवाब आने के उपरांत या जवाब नहीं आने पर 1 महीने के अंदर हम इसका निपटान कर देंगे कि निर्णय क्या लेना है। इन अस्पताल में अधिकांश तो ग्वालियर के ही हैं, 4 अस्पताल दतिया के हैं और 1 अस्पताल भिंड का है।